परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज छोटी दिवाली, कल हमने धनतेरस मनाई, धनतेरस का दिन था और कल हम दिवाली मनाएंगे। तो धनतेरस दिवाली मनाने के पीछे क्या कारण है, क्यों मनाया जाता है? तो जनरली ज्यादातर हम यही जानते हैं कि दिवाली को दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, धनतेरस के दिन हम संपदा, हमारा धन दौलत की वर्षा हो, ऐसी भावना करते हैं। तो भावना करना ही चाहिए, जैसे हम भावना करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। तो हम सभी शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं और खुशी खुशी जीना चाहते हैं। तो क्या धन दौलत से हमें आनंद मिल सकता है? संपदा, धन दौलत हम कहते हैं धनतेरस के दिन हमारे घर में धन की वर्षा हो, तो धन से शांति आनंद मिल सकता है क्या? तो इसके लिए हमारे आचार्यों ने, महाआचार्य तुलसी ने हमें एक मंगल भावना, हम दिवाली करते हैं मंगल भावना की यंत्र है, एक इस यंत्र की स्थापना करते हुए हम दिवाली पूजन करते हैं। आपके स्क्रीन पे अभी ये मंगल भावना पत्रक दिख रहा होगा, मंगल भावना यंत्र। इस यंत्र की साक्षी से दिवाली पूजा जैन धर्म में की जाती है। तो इसमें जो एक कमल का फूल जैसा बना हुआ है, इसमें 9 पंखुड़ियां बताई गई है और पंखुड़ियां का जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसमें पंक्तियां लिखी हुई है, भावना, जो 9 भावना हमारे आचार्यों ने बताई वो भावना। तो इस भावना का हम पहले समझेंगे, इस भावना को हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो प्रकार की भावना है, इसे हम मंगल भावना कहते हैं। और हमारे संपदा, आध्यात्मिक संपदा का विकास कैसे हो? भौतिक संपदा तो चाहिए, जरूरी भी है, धन दौलत भी चाहिए, सब भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे आध्यात्मिक संपदा का विकास कैसे होगा, इन भावनाओं में बताया गया है। और ज्यो ज्यो हमारे आध्यात्मिक भावना का विकास होगा, हमें परम आनंद, परम शांति की अनुभूति होगी। तो 9 प्रकार की भावना अभी हम करेंगे, फिर उस भावना का उच्चारण करूंगा मैं दूसरी बार। आप जतिन जी सभी मिलकर हमारे साथ साथ इस भावना का उच्चारण करेंगे, 9 प्रकार की भावना हम करेंगे। उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो हमें आज विशेष मार्गदर्शन देने वाले हैं। डॉक्टर मनोज कुमार जी से हम परिचित हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इन्होंने हमारे कार्यक्रम भी लिए और एक 5 दिवसीय हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत ही शानदार। हम आनंद, शांति, सुख कैसे मिल सके हमें और हमारा आध्यात्मिक विकास कैसे हो, इसके बारे में वो कुछ हमें इन्फॉर्मेशन बताएंगे।
ध्यान बताएंगे, हम मंगल भावना का प्रयोग करें, उसके बाद हम डॉक्टर मनोज कुमार जी को सुनेंगे। आज हमारे विशेष रूप से आमंत्रित डॉक्टर मनोज कुमार जी, जय जिनेन्द्र। मनोज कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र धनलाल जी, जय जिनेन्द्र आनंदमल जी, जय जिनेन्द्र सभी साधिक साधिकाओं को, जय जिनेन्द्र। ठीक, अभी हम मंगल भावना का प्रयोग पहले लेते हैं, उसके बाद में आप अपना सेशन शुरू करेंगे। सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए नौ प्रकार की भावना, एक एक भावना को हम दो दो बार लेंगे। पहली बार मैं उच्चारण करूंगा, दूसरी बार आप सभी उच्चारण कर सकते हैं। तो पहली भावना है हमारे जो चेतना का आध्यात्मिक विकास, हमारी चेतना का आध्यात्मिक विकास कैसे हो, इसलिए आचार्य तुलसी ने ये नौ प्रकार की भावना हमें बताई। और दिवाली के दिन इस भावनाओं का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। हम दीपावली पूजन करते समय ये मंगल भावना यंत्र हमारे सामने रखकर हम दीपावली पूजन करते हैं। तो नौ प्रकार की भावना में पहली भावना जो है उसमें उसका मतलब है मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। संपदा, यहाँ पर जो संपदा की बात कही गई है, ये जो संपदा है ये हमारी आध्यात्मिक संपदा की बात बताई गई है। मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं, इसी भावना के साथ हम पहली भावना का उच्चारण कर रहे हैं। श्री संपन्नो हम श्री। पहली भावना में हमने श्री संपन्न होम शाम ये भावना हमने ली, मैं आभा और संपदा से संपन्न हूं। दूसरी भावना है उसका अर्थ है मैं लज्जा और आत्म अनुशासन से संपन्न बनूं। आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो दूसरी भावना क्या है, रे संपन्नो हम सभी साथ साथ बोलिए, रे संपन्नो हम श्याम। मैं लज्जा और आत्म अनुशासन से संपन्न बनूं। तीसरी जो भावना हम लेंगे उसका अर्थ है मैं बुद्धि से संपन्न बनूं। हमारे बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास भी कैसे हो, तो ये जो भावना हम ले रहे हैं तीसरी भावना, दी संपन्नो हम संपन्नो हम श्याम। मैं बुद्धि से संपन्न बनूं। चौथी भावना है मैं धैर्य से संपन्न बनूं। धैर्य भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो धैर्य से संपन्न बनूं इसके लिए हम भावना जो मूल भावना है धीरे संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम। मैं धैर्य से संपन्न बनूं, संपन्न बनूं। शक्ति, हमें शक्ति भी चाहिए, कोई काम करेंगे तो शक्ति के बगैर काम नहीं हो सकता, स्वस्थ रहना है शक्ति, हमें शक्ति संपन्न बनना है। तो भावना है शक्ति संपन्नो हम शक्ति संपन्नो हम श्याम। अगली भावना मैं शांति से संपन्न बनूं, परम शांति। परम शांति की प्राप्ति के लिए हम भावना करेंगे शांति संपन्नो हम शाम।
संपन्नम श्याम। अगली भावना, मैं आनंद से संपन्न बनूं, परम आनंद की अनुभूति, परम आनंद की अनुभूति। तो भावना करेंगे, नंद संपन्नो हम श्याम, नंद संपन्नो हम श्याम। नेक्स्ट, अगली भावना हम ले रहे हैं, मैं तेज संपन्न बनूं, हमारे अंदर तेजस्विता का, तेजस्विता का विकास कैसे हो, इसके लिए हम भावना कर रहे हैं, तेज संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम। अगली भावना, आखिरी भावना, मैं शुक्ल लेश्या से संपन्न बनूं, शुक्ल यानी पवित्रता, मैं शुक्ल संपन्न कैसे बनूं, इसके लिए भावना है, शुक्ल संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम। ओम आनंद। अभी हमने मंगल भावना का प्रयोग, नौ प्रकार की भावना जो हम हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है, ये भावना हमें प्रतिदिन प्रतिदिन करनी चाहिए। सुबह सुबह अगर हम ये भावनाएं करते हैं तो जैसी हम भावना करते हैं वैसा ही हमारा दिन बीतता है। तो मंगल भावना का प्रयोग भी हमें करते रहना चाहिए। नौ प्रकार की भावना आपको याद भी हो गई होगी तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहली भावना है श्री, श्री यानी संपदा, श्री यानी संपदा, कौन सी संपदा, आध्यात्मिक संपदा। दूसरा है री, री, री यानी लज्जा या आत्म अनुशासन। तीसरी भावना है धी, धी यानी बुद्धि। चौथी धृति, धृति यानी धैर्य। पांचवी शक्ति, छठी शांति, छठी शांति। सातवीं नंदी, नंदी यानी आनंद, मैं आनंद संपन्न बनूं। आठवीं तेज, तेज में तेजस्विता संपन्न बनू। नौवीं होगी शुक्ल यानी मैं पवित्रता से संपन्न। नौ प्रकार की भावना हमें अभी की। अब मैं आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार जी को हम सुनेंगे, प्रयोग भी करेंगे। तो मनोज कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे आज दिवाली धनतेरस के उपलक्ष्य में, हमें परम आनंद परम शांति की उपलब्धि कैसे हो और हम आध्यात्मिक रूप से ज्यादा कैसे विकास कर सके, इस बारे में मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कर ले। सभी साधिक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद आनंद मल जी, आपने मुझे बार बार इस तरह के सेशन कंडक्ट करने का मौका दे रहे हो। ये मेरा सौभाग्य है कि सभी साधिक साधिकाओं के बीच के अंदर जो मुझे ज्ञान मिला है उस चीज को शेयर करने का मौका मिला। जिस प्रकार से हमने अभी आनंदमल जी के माध्यम से मंगल भावना यंत्र के बारे में, नौ सिद्धियों के बारे में जाना, किस प्रकार से हम अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, किस प्रकार मंत्र के उच्चारण से हम अनुशासन, बुद्धि, सुख, पवित्रता के मार्ग पर अपने जीवन को संपदा से संपन्न कर सकते हैं, आध्यात्मिक संपदा से संपन्न कर सकते हैं, आज ठीक उसी प्रकार हम धनतेरस और दिवाली के उपलक्ष पर इस स्पेशल सेशन का आयोजन किया है। इसके लिए मैं वंस अगेन आनंदमल जी का धन्यवाद करता हूं। हम इस पूरे प्रोसेस को
सिंपल से सिंपल और आसान से आसान टेक्निक में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। यदि किसी को कहीं पर कोई डाउट आता है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, उस चीज को डाउट को क्लियर कीजिए। और उस गहन रहस्य को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो बहुत ही वैल्यूएबल है, उस चीजों को आप जीवन में इम्प्लीमेंट करके एक नेक्स्ट लेवल पर अपने जीवन को ले जा सकते हैं। मैं इस पूरे प्रोसेस को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है, स्थूल और अविनाशी खजानों को प्राप्त करने का रहस्य, तो इसके बारे में दोनों टॉपिक के ऊपर, स्थूल और अविनाशी खजाने, भौतिक संपदा और हमारे जो आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के रहस्य के बारे में बात करेंगे हम। दोनों सब्जेक्ट बहुत ही गहन है, लेकिन उन चीजों से जो मेन चीज है वो चीजें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि हम उन चीजों को आसानी से समझ सके। ये मेरा प्रॉमिस है, आपसे वादा है, इन रहस्यों को आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके आप अपने जीवन के अलग अलग तरह का ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने जीवन को सुख भौतिक और अविनाशी खजानों से भरपूर कर सकते हैं। जब मैं सेशन का लास्ट करूंगा उस चीज का प्रैक्टिकल भी आप लोगों के साथ में कराऊंगा, जो ऑन द स्पॉट आपको उस चीज का रिजल्ट भी मिलेगा। बात करते हैं स्थूल खजाने कौन से हैं। स्थूल खजाने के बारे में आपको मालूम है, जो धन संपदा है हमारे पास में, उस धन संपदा को स्थूल खजाने का नाम दिया जाता है। जो भी हमारे पास में जितना पैसा है, कम है ज्यादा है, हमारे पास जो धन संपदा से जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है, वो सब स्थूल खजानों का पार्ट है। वो सब खत्म हो जाने हैं, वो नाशवान है, समय के चलते चलते सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे समय आ गए, कोई चीज पुरानी होगी, शरीर है हमारा, ये सब स्थूल खजानों का पार्ट है। इन चीजों की डेफिनेटली आवश्यकता है हमारे जीवन में, लेकिन इन चीजों को कैसे प्राप्त किया जाए इस पार्ट को भी मैं कवर करूंगा, किस प्रकार से उस चीज को मैनेज किया जाए। जिस प्रकार से आज हमारे जीवन में समस्याएं चल रही है उनको भी मैनेज करना जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट है हमारी। दूसरा पार्ट आता है अविनाशी खजानों का। अविनाशी खजाने जो आनंदमल जी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 9 प्रकार के जो खजाने हैं, इन्हीं चीजों को प्राप्ति के लिए जो आत्मा की 7 क्वालिटी है, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति और शक्ति, हर एक धर्म के अंदर अलग अलग प्रकार के तरीके बताए गए हैं, लेकिन जो सबका जो निचोड़ है सभी धर्मों के अंदर, ये 7 अनमोल खजाने ही है, अविनाशी खजाने हैं, आध्यात्मिक खजाने हैं। इनका अलग अलग तरह से प्रोसेस बताया गया है, लेकिन जो सबका मकसद है एक ही है, उन आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करना। तो सबसे पहले आते हैं, जो आज हमारे जीवन में इन चीजों को लेकर जो समस्या है, चाहे स्थूल खजाने हो चाहे अविनाशी खजाने हो, उन जीवन में जो हमारे खजाने, जो हमारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, सभी के साथ में है ये समस्याएं, पैसे को लेकर भी है और आध्यात्मिक खजानों को लेकर भी है। हमारा मन अशांत है, हमारे जीवन में शांति की कमी है, हमारे जीवन में प्रेम की कमी है, तो इन सब चीजों के पीछे रीजन क्या है, उस रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कोई बता सकता है, पार्टिसिपेट करेंगे प्लीज, पार्टिसिपेट से करेंगे इस सेशन को पूरा कंडक्ट। इन सब चीजों के पीछे रीजन क्या है, अनम्यूट का परमिशन दे दीजिए अनमल जी। मैं अनम्यूट ऑप्शन सबके लिए दे रहा हूँ अभी। हाँ, पार्टिसिपेशन से करेंगे सेशन अनम्यूट। जो आज हमारे जीवन में समस्या है, अनम्यूट करके आपकी बात आप रख सकते हैं। सबका अनम्यूट ऑप्शन चालू कर रहा हूँ मैं, आपको भी वापस अनम्यूट करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, वापस अनम्यूट। हमारी इच्छा ही दुख का कारण है, दूसरों से अपेक्षा रखना। डॉक्टर साहब अपने आप को वापस अनम्यूट कीजिए। आप यस प्लीज। दूसरों से अपेक्षा करना यही दुख का कारण है। ये भी एक पार्ट है डेफिनेटली। मन असंतुष्ट होना ये भी डेफिनेटली एक पार्ट है, बहुत अच्छी बात है। अपनी इच्छा पूर्ति नहीं होना, इच्छा पूर्ति क्यों नहीं होती है, क्यों मन अशांत है, उस मेन पॉइंट के ऊपर आएंगे हम, क्यों है उस मेन पॉइंट। हम पैसों के पीछे ही भागते हैं, पैसों के पीछे ही भागते हैं। क्यों भागते हैं, उसका मेन रीजन क्या है, कहाँ पे वो समस्या शुरू हुई? बस अपने पास सब महत्व, पैसे का महत्व समझा, शरीर से बढ़कर आत्मा की उन्नति से बढ़कर पैसे को महत्व दिया। हाँ, महत्व दिया, क्यों दे रहे हैं, वो रीजन क्या है उसके पीछे, मेन कारण को फाइंड आउट करेंगे हम।
कंपटीशन देखा देखी, कंपटीशन भी एक पार्ट है देखा देखिए। तो कंपटीशन भी क्यों बढ़ रहा है, वो कहां से आ रही है, वो सारी बीमारी की जो मेन जड़ है वो कहां पर है, भौतिक सुख। हाँ भौतिक सुख को, भौतिक सुख के बारे में ही बात करें, कैसे भौतिक सुख की कमी क्यों है हमारे जीवन में, जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिन चीजों को फाइंड आउट, हम शांति को पैसे में ढूंढ रहे हैं, हम प्रेम को पैसे में ढूंढ रहे हैं, हम सुख को पैसे में ढूंढ रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं, उसके पीछे मेन रीजन क्या है, गलत जगह ढूंढ रहे हैं सब हम। जैसे मेडिकल में जाके अपन बोल रहे किराना सामान दो, वैसे हम भी दुनिया वालों से सुख चाह रहे हैं, शांति चाह रहे, जब वो वहां से नहीं मिलेगी, अध्यात्म से मिलेगी हमें, वो शांति क्यों है, उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं, हम गलत डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, हम पिछले जन्म के कर्म संस्कार ऐसे है, पिछले जन्म के संस्कार ऐसे कि हम ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है, डेफिनेटली ज्ञान का भी पार्ट है, ज्ञान की कमी के, और उसी ज्ञान को जानने के लिए हम समझने की कोशिश करेंगे, उसी ज्ञान पर चलते हैं। इन सब जो समस्याएं आई है हमारे जीवन में, कहां से समस्या आएगी, उसको आध्यात्मिक के माध्यम से और बारीकी से समझेंगे उस चीज को, ये हाँ कहाँ से आती है हमारे जीवन में और किस प्रोसेस में आती है। इज इट ओके एवरीवन? यस यस यस। क्या आप लोग जानने के लिए तैयार है उस रहस्य को? यस यस सर। या जो भी जीवन में हमारी समस्याएं आ रही है, हमारे जीवन में जैसे हमारे घर के अंदर लाइट होती के बटन होते हैं, यदि हमने स्विच ऑन किया तो फैन चलता है, स्विच ऑन किया तो ट्यूबलाइट जलती है, स्विच ऑन करते हैं तो टीवी चलता है, एसी चलता है, ठीक उसी प्रकार के हमारे जो इमोशंस के बटन होते हैं, यदि हम खुशी का बटन दबाएंगे तो खुशी आएगी हमारे जीवन में, यदि हम परेशानी का बटन दबाएंगे तो परेशानी आएगी, चाहे वो रिलेशन में आए, चाहे अपने मेंटल लेवल के ऊपर आए। तो जिस डायरेक्शन को हम जो भी स्विच दबाएंगे उसको इमोशंस का स्विच बोलते हैं। तो जो हम सोचते रहते हैं, फील करते रहते हैं, उन चीजों को का स्विच होता है हमारे, जिसको साइंस की भाषा के अंदर हमारे न्यूरॉन्स बोलते हैं, पॉजिटिव न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, कोई केमिकल का नाम देते हैं। तो ये स्विच है, जिस स्विच को हमने दबा दिया उस स्विच की प्रक्रिया हमारे जीवन में स्टार्ट हो जाती है। हम लगातार सोचते रहते हैं कि मैं परेशान हूं, मेरे साथ क्या होगा, तो लगातार हम स्विच को बार बार प्रोसेस करते रहते हैं। जब 21 डेज तक हम उस लगातार प्रोसेस में गुजरते हैं तो वो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती है, जिससे हमारे जीवन में उन चीजों का अट्रैक्शन होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। हम एक एनर्जी है, सभी मालूम है, हमारा थॉट प्रोसेस एनर्जी है, जो भी हम सोचते हैं वो पूरा यूनिवर्स के अंदर वाइब्रेट होता है, हर एक चीजें यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। जैसे मैंने बोला मैं सुखी हूं, तीन प्रकार के न्यूरॉन्स जनरेट हुए हमारे ब्रेन के अंदर और वो यूनिवर्स के अंदर गए। जब उनकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में मैच होगी तब वो चीजें हमारे पास में वापस लौट कर आएगी। जब वो वापस लौट कर आएगी, इसके बीच प्रोसेस में हम बोल देते हैं, हम सोच देते हैं मैं तो परेशान हूं, मेरे पास तो दुख है, तो दुख की वाइब्रेशंस जाएगी, जो हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमने सुखी की वाइब्रेशंस भेजी थी उसको क्रॉस कर देगी, उसको ओवरकम कर देगी, फिर दुख के वाइब्रेशंस जाएंगे, दुख के वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर लाएगी। तो ये जो स्विच है, इस स्विच के ऊपर ही हम काम करते हैं इमोशंस के रूप में, अपने थॉट प्रोसेस के रूप में। आगे बढ़ते हैं, इसको और चीजों से समझते हैं। ये जो स्विच किसके माध्यम से दबाते हैं हम अपने ब्रेन के अंदर, हम थॉट के माध्यम से इनको प्रेस करते हैं, जो हम सोचते रहते हैं, लोग लगातार सोचते रहते हैं, इसने मेरे साथ में ऐसा क्यों कर दिया, इसको मैं देखता हूं, इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, इसने मुझे धोखा क्यों दिया, इसने मुझे काम के लिए मना कैसे कर दिया, ये मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब चीजें थॉट प्रोसेस है। एक मिनट के अंदर हमारे पास 50 से 60 विचार आते हैं, जो इनकी संख्या है ये ऑलमोस्ट नेगेटिव विचारों से की होती है, मोर देन 95 विचार नेगेटिव चलते हैं, पॉजिटिव आज के इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ही कम होते जा रहे हैं। तो ये 95% नेगेटिव विचार है, तो जब इनका कैलकुलेशन करते हैं तो एक दिन में मोर देन 50,000 के विचार हो जाते हैं, लगातार एक साल में करोगे तो 2 करोड़ से ज्यादा इनकी। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी हमारे ब्रेन के अंदर जनरेट हो रही है, इस नेगेटिव एनर्जी को क्लीन भी करना पड़ेगा। यदि घर के अंदर हम कचरा भरते रहे, बाहर से लाए कचरा भरता रहे, जो सामान आ रहा है उसको बाहर ना फेंके, तो घर गंदा होने लग जाएगा, एक दिन थोड़ा होगा दूसरे दिन ज्यादा होगा। तो उस घर की सफाई करनी भी जरूरी है, तो उस सफाई को किस प्रोसेस से करेंगे उस चीज को हम समझेंगे, किस प्रकार से हम उन चीजों को, बस
शांति जीवन में हमारे तभी आएगी जब वो हमारी घर की सफाई हो जाएगी। तो उस ठीक उसी प्रकार से भौतिक संपदा का भी सेम महत्व है और अविनाशी खजानों का भी, तो उसको समझते हैं वो डिटेल के अंदर। इन थॉट के ऊपर ये थॉट प्रोसेस कैसे कंट्रोल काम करते हैं हमारे जीवन में, जैसे हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है ठीक उसी प्रकार से हमारे ब्रेन को भी डाइट की रिक्वायरमेंट है। डाइट यानी भोजन की रिक्वायरमेंट है। हम जब हमें भूख लगती है खाना खाते हैं, प्यास लगती है पानी पीते हैं। हमारे ब्रेन को जब भूख लगती है तो ब्रेन क्या करता है, जो चीजें ब्रेन को मिलती है वो खा लेता है। नेगेटिव विचार मिले तो नेगेटिव खाएगा, पॉजिटिव है जो भी कुछ भी लेगा उसको खा लेगा। इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। यदि एक पालतू जानवर है एक आवारा जानवर है, तो पालतू जानवर को हम अपनी पसंद का चारा खिलाएंगे जो हम उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से खिलाएंगे। जो आवारा जानवर है वो अपनी पसंद से कहीं भी जाएगा उस तरह खाता रहेगा, जो उसको मिलेगा रास्ते में अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा उस सब चीजों का सेवन करेगा वो। और हमारा घर का पालतू जानवर है, हम उसको पसंद की चीज खिलाएंगे जिससे हमारे को अच्छा दूध भी देगा, हमारे लिए जिस चीज की हमारी रिक्वायरमेंट है हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ब्रेन भी काम करता है। हमारा अभी क्या है, हमारा जो कंट्रोल है पूरे शरीर का, हमारे थॉट्स का कंट्रोल हमारे ब्रेन के पास है। हम उस ब्रेन के कंट्रोल को अपने हाथों में लेना सीखते हैं। जब हम अपने हाथों में लेना सीख जाएंगे तब वो ब्रेन हमारे हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा। कंट्रोल लेने के लिए जो हमारे दिन में हमारे ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता रहता है ब्रेन के अंदर कि भाई इसने ये कर दिया, तो कंट्रोल लेने का जो माध्यम है अपने विचारों का कंट्रोल अपने पास ले लो। जो मन में विचार चलते हैं उन विचारों को सकारात्मक दिशा दे दो। कैसे दे दो, इसको प्रोसेस को हम समझेंगे कैसे हम अपने ब्रेन को सकारात्मक दिशा देते हैं। उससे पहले विचारों को सकारात्मक दिशा देने से पहले समझते हैं ये जो चीजें हमारे जीवन में दुख आ रहा है, रिलेशनशिप में इश्यू आ रहा है, दिन भर टेंशन हो रही है। आज ऐसा कोई इंसान है जिसके पास टेंशन नहीं है? छोटे बच्चों से टेंशन है अभी तो, छोटे बच्चों से ही ज्यादा टेंशन है वो, बड़ों से तो ज्यादा छोटे बच्चे टेंशन में जूझ रहे हैं आजकल। तो उन चीजों के लिए ये जो सब चीजें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे जीवन में आती है। क्यों आ रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा थॉट निकला ब्रेन से कि मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूं, वो यूनिवर्स में जाएगा और सुख की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर लाएगा। इस पूरे प्रोसेस को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो जो चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हमारे जीवन में चीजें आती हैं, जिन चीजों को हम सोचते हैं वही चीजें आती है। आप बचपन से आज तक याद कर लो, जो आपने सोचा है वही चीजें मिली है आपको। आपने सुबह सोचा, रात को सोचा कि सुबह मैं उठूंगा तो आप उठे हो। आपने सोचा, सबसे पहले जो शुरू थॉट प्रोसेस होती है वो सोच से शुरुआत होती है। आपने सोचा सेशन को मैंने अटेंड करना है तो सेशन को आपने अटेंड किया। तो ये जो थॉट प्रोसेस है पूरा का पूरा खेल इसी थॉट प्रोसेस का ही है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजें हैं वो चार चीजों के माध्यम से हमारे पास में आती है। सबसे पहले हमारे ब्रेन के अंदर फीलिंग्स जनरेट होती है, हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं। जैसा हम फील करते हैं, हम परेशान फील कर रहे हैं तो परेशानी के थॉट आएंगे, यदि हम खुशी फील कर रहे हैं तो खुशी के थॉट आएंगे। सबसे पहला प्रोसेस हो गया फीलिंग, उसके बाद थॉट, उसके बाद वो बिलीफ बनता है। 21 डेज तक हम रिपीट करते हैं, जिन चीजों को हम सच्चा सच मान लेते हैं उन चीजों को हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। सच मानना यानी जैसे नाम बताया, किसी ने नाम बताया मेरे डॉक्टर मनोज कुमार है, तो हमारे ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया कि ये मनोज कुमार है, ये हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गया। लेकिन यदि कोई ऐसा नाम दो, अजीब नाम दो, तो वो हजम नहीं होगा, तो हमारा ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो हम फील करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो लगातार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाते हैं। उसी चीज प्रकार से हम अपने जीवन में उन चीजों को अट्रैक्शन करते हैं, उसी हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। यदि हमारे फैमिली मेंबर ने, किसी ने हमारे साथ में झगड़ा कर दिया, फीलिंग आएगी पहले, यानी मेरे साथ में ऐसे परेशान होंगे, परेशान के बाद थॉट आएगा, इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसे देखता हूँ, इसको डांटता हूँ, इसके साथ में ये बार बार मेरे साथ में ऐसा करता है, ये बार बार प्रोसेस करता रहेगा। फोर्थ स्टेप में जब हम एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, यदि उसने मेरे साथ में झगड़ा किया तो हम उससे एक्शन क्या लेंगे, हम उससे बात करना बंद कर देंगे। वो जो एक्शन लेने का प्रोसेस है वो उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर देगा। हर एक चीजें रिजल्ट में कन्वर्ट चार चीजों से होती है।
फीलिंग थॉट बिलीफ और एक्शन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, स्थूल खजानों के ऊपर ही बात करते हैं, पहले अविनाशी खजानों के ऊपर फिर आते हैं। स्थूल खजाने, सबसे पहला जो इश्यू होता है मैनेजमेंट इश्यू होता है, जो हमारे पास में पैसा आता है वो चला जाता है, चाहे हमारे पास में कितना भी पैसा आया वो किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई जरिया बनेगा, वो हमारे पास से चला जाएगा। क्यों चला जाता है, इसको बहुत ही शानदार एग्जांपल, यूनिवर्स कैसे काम करती है हमारे साथ, कैसे उस पैसे को हमारे साथ में क्यों ले लेती है यूनिवर्स हमारे पास से पैसे को। यदि आपका बच्चा है सुचेता जी, आपका बच्चा है, आपने अपने बच्चे को एक आइसक्रीम दिया, एक बड़ी आइसक्रीम दिया, कॉस्टली थी, जो 500 रुपए की आइसक्रीम थी, आपने अपने बच्चे को दिया, छोटे बच्चे को दिया, आपके बच्चे ने उसको लेकर और गिरा दिया, ठीक है, दूसरी बार लिया, आपने दोबारा, चलो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, प्यारा है, मैं दे देती हूँ, कोई बात नहीं, 500 रुपए की फिर आइसक्रीम दे दिया आपने, महंगे वाली को आइसक्रीम दिया, वो खेलते खेलते गया, फिर दोबारा उसने गिरा के वापिस आ गया, 500 रुपए की आइसक्रीम थी, थर्ड टाइम फिर दोबारा आपसे आइसक्रीम मांगने के लिए आएगा, तो अभी थर्ड टाइम उसको आइसक्रीम तो दिलानी है, कौन सी आइसक्रीम दिलाओगे, 500 रुपए की दिलाओगे, 10 रुपए की दिलाओगे, 10 रुपए की, एक एक पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज, या सुचेता जी प्लीज। हाँ, पहले तो हम लोग उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, फिर 10 रुपए वाले देंगे, क्योंकि इतना तो हम नहीं डाल पाएंगे उसके ऊपर, नहीं डाल पाएंगे, तो भरोसा नहीं ना, गिरा देगा कि खाएगा, वो भरोसा नहीं, वो भरोसा नहीं, ठीक ठीक। यूनिवर्स भी हमारे साथ ऐसा ही करती है, यूनिवर्स को हमारे ऊपर भरोसा नहीं रहता, यूनिवर्स देता है हमें जितना भी हमारे पास आता है, यूनिवर्स भी हमारे पास जो पैसा आता है वो देता है, लेकिन भरोसा नहीं होने की वजह से वो चीजें कम देना स्टार्ट कर देता है, आएगा हम खर्च कर देंगे उसको, तो इसको जो मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम है उस पैसे, ठीक है, जब उस चीज को मैनेज करना सीख लेंगे तो यूनिवर्स हमें बड़ी आइसक्रीम भी देने लग जाएगा, जब आपका बेटा समझदार हो जाएगा, संभालने लग जाएगा, तो नहीं गिराएगा तो आप बड़ी आइसक्रीम भी देने लग जाओगे, ठीक, यूनिवर्स भी उसी प्रकार का हमारे साथ में प्रोसेस करता है। आई होप क्लियर है ये चीजें, इसको कैसे मैनेज कैसे करें, उस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे बढ़ाएं, आपने बार बार मंत्र उच्चारण का इस्तेमाल करना है, मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर हूं, बार बार इन चीजों का उच्चारण करना है, दिन में कम से कम 11 बार सुबह शाम करो, डेली लगातार करोगे तो इस चीजों से आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सिर्फ एक स्टेप बता रहा हूँ, इसके अलग अलग पहलू है, इन चीजों को कंप्लीट नहीं समझना है कि जो चीजें शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये एक पहलू है, उस पार्ट को आपको अच्छा करना स्टार्ट कर देगा, कुछ पार्ट और भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ में, जो पैसे को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जब आप बार बार कंटिन्यूअसली करोगे, मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर हूं, मैं एक तो हमारा थॉट प्रोसेस एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, केमिकल हमारे ब्रेन के अंदर एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाएंगे और उस पैसे को मैनेज करना स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा आता है, दूसरा पार्ट, अभी टाइम कोई नहीं है इसके अंदर, आप सुबह करो, दोपहर में करो, लेकिन करो उस चीज को। दूसरे पार्ट के ऊपर आते हैं, दूसरा पार्ट आता है रिस्पेक्ट, जो आपके पास छोटा पैसा होता है, छोटा और बड़ा दोनों पैसों की रिस्पेक्ट करनी है, यानी छोटी आइसक्रीम की भी रिस्पेक्ट करनी है, बड़ी आइसक्रीम की भी रिस्पेक्ट करनी है, जो आपके पास पैसा आ रहा है वो किसी भी सोर्स से आ रहा है, कम आ रहा है, 100 रुपए आ रहा है, 50 रुपए आ रहा है, डजंट मैटर, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करनी है आपने, ठीक है। ये नहीं कि भाई मैं तो एक्चुअल में एम्बिशन ज्यादा है आजकल बड़े पैसों के लिए, भाई मैंने तो इस काम के लिए ही पैसा करना है या इस इतने पैसे के लिए ही काम करना है, दोनों चीजों की रिस्पेक्ट करना है, स्मॉल मनी की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी मनी की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, दोनों की रिस्पेक्ट करना है। इसी में थर्ड स्टेप आता है, स्थूल खजाने को बढ़ाने के लिए सोर्स ऑफ इनकम का होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम पूरी जिंदगी एक ही सोर्स पर काम करते रहते हैं, हमारे पास है तो जॉब करना स्टार्ट कर देंगे, तो जॉब में ही करते रहेंगे, दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, वो हमारा रूटीन हो जाएगा। जो भी मल्टी मिलीनियर माइंडसेट है, जिन लोगों के पास, जिन्होंने धन इकट्ठा किया है, जो पैसे से करोड़पति बने हैं, उन्होंने हमेशा पैसे से पैसा कमाया है, यानी पैसे से इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए हैं। तो जो भी आपके पास सोर्स है उस सोर्स को बढ़ाइए, उस सोर्स को किस रूप से बढ़ाना है, पैसिव इनकम के रूप में बढ़ाना है।
पैसिव इनकम कैसे, आपके पास जो काम करते हैं उस पैसे से, उस पैसे का शेयर, उस परसेंटेज शेयर, उस परसेंटेज शेयर अंदर पैसिव इनकम में इन्वेस्ट कीजिए। पैसिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम के बारे में भी बात करते हैं। जिस इनकम के अंदर, जिस इनकम के लिए आपने एक बार काम किया, एक बार मेहनत की या इन्वेस्टमेंट किया, उससे आपको पास पैसा आना स्टार्ट हो जाए। जैसे म्यूचुअल जो फंड होती है आपकी, एफडी होती है, एफडी आपने पैसा डाल दिया, एफडी से पैसा आने लग गया। आपने कोई स्टॉक ले लिए, स्टॉक की कीमत बढ़ रही है, कभी कम डाउन हो रही है, लेकिन सही जगह से समझदारी के साथ में जब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वहां से पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे कोई मेहनत नहीं है। एक चीज और शेयर करता हूं मैं आपके पास, आप सब लोग अपने काम में मास्टर है, जो आप काम करते हो बुक राइटिंग का काम आप कर सकते हो, वहां से आपके पास रॉयल्टी। एक बार आप मेहनत किया, आपने कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया, 15-20 हजार रुपए इन्वेस्ट किया बुक लिखने के बाद, जो आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान को उस बुक में उतारिए, उसके बाद जब आपका इनकम सोर्स हो जाएगा धीरे धीरे, वो चीजें मार्केट में फैलेगी तो डेफिनेटली आपका इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा। तो उन चीजों के लिए आप अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कीजिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है, क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट पॉइंट मनी मैनेजमेंट का हो गया, स्मॉल मनी और बिग मनी का हो गया, थर्ड पार्ट हो गया पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना है। अभी पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए मैं आपके साथ में बहुत ही सीक्रेट चीज शेयर कर रहा हूं। इन चीजों को, जो आपके पास इनकम आती है, मंथली इनकम आती है, उस मंथली इनकम को 6 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 6 पार्ट कौन कौन से हैं डिवाइड में नोट कराता हूं, आपको नोट कीजिए। जो भी आपके पास इनकम आती है टैक्स काटने के बाद में, उसका 10% पैसिव इनकम के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। सबसे पहले आपके पास 50,000 रुपए आए, 50,000 रुपए का 10% हो गया 5,000 रुपए। पैसिव इनकम के लिए चाहे आप स्टॉक लें, एफडी लें, कुछ भी कीजिए। स्टॉक भी लेना है तो स्टॉक के लिए अच्छी चीज है, स्टॉक जो स्टॉक होल्डर हैं, जो स्टॉक परचेज करने में मदद करते हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए। फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, स्टॉक के जो चीजें हमें जरूरत होती है वो स्टॉक हमेशा जीवन में बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम SBI बैंक का पैसा इस्तेमाल करते हैं, तो SBI बैंक कहीं भाग कर जाने वाला नहीं है, उसके स्टॉक हमेशा बढ़ेंगे। पेट्रोल हम यूज करते हैं, पेट्रोल हमेशा बढ़ेगा। हम जो घर में बिस्किट यूज करते हैं, जिस प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं, टाटा का नमक हम यूज करते हैं, दुनिया यूज करती है टाटा कंपनी का, तो टाटा कंपनी की चीजें बढ़ेंगी। जो घर में यूज होती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिन चीजों को हम यूज करते हैं, चाहे हम SBI बैंक के कस्टमर हैं, चाहे एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं, चाहे जिस भी के कस्टमर हैं, उन चीजों का स्टॉक लीजिए, हमेशा बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं साथ शेयर करता हूँ, आज जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर जो SBI का स्टॉक था वो 250 रुपए का था, 220 रुपए का, आज उसकी जो कीमत है 500 से ज्यादा रुपए की हो चुकी है। मैं एग्जाम्पल के लिए शेयर कर रहा हूँ, जो चीजें मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्लीज उनको पकड़कर नहीं बैठना है कि जो सर ने बताया था वही सही है। अपने जो स्टॉक वाला कंसल्टेंट है उनसे कंसल्ट करना। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जो घर में आपकी चीजें जरूरत है वो चीजें हमेशा बढ़ेगी स्टॉक के अंदर, सिंपल सी बात है। आपको पेट्रोल चाहिए, दुनिया में सबको पेट्रोल चाहिए। बिजली चाहिए आपको, दुनिया में सबको बिजली चाहिए। आई होप क्लियर है यहाँ तक। पहला स्टेप पैसिव इनकम का 10% वहां पर इन्वेस्ट कीजिए आप। सेकंड मस्ट एक्सपेंस के अंदर आता है 55%, जो आपके खर्चे हैं। ये मैं आइडियल एक्सपेंडिचर बता रहा हूँ, इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे तो 3 महीने लगते हैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के अंदर। मस्ट एक्सपेंस के अंदर आता है 55%, जो आपकी इनकम आई उसका 55% इन्वेस्ट कीजिए, अपने घर के खर्चे के लिए यूज कीजिए उसको। नेक्स्ट पार्ट आता है सेल्फ पैम्परिंग के लिए। सेल्फ पैम्परिंग 10%। सेल्फ पैम्परिंग क्या है, हम कभी भी जाते नहीं है, किसी चीज को एंजॉय नहीं करते हैं, तो खुद के लिए अपने एंजॉयमेंट करने के लिए, अपने आप को पैम्पर करने के लिए, अपने आप को अच्छी फीलिंग लाने के लिए अपने ऊपर 10% इन्वेस्टमेंट करना है। आप उस चीज को, आप अपने ब्यूटी पार्लर में जा सकते हो, आप अपने किसी रेस्टोरेंट के अंदर जा सकते हैं, सिर्फ आपके खुद के लिए 10% का। 10% डिजायर एक्सपेंस। डिजायर एक्सपेंस, मेरे को मोबाइल खरीदना है, मेरे को अच्छे कपड़े खरीदने हैं, मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मेरे को घर खरीदना है, 10% डिजायर एक्सपेंस के अंदर। नेक्स्ट पार्ट आता है पर्सनल ग्रोथ, 10%। अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने
नई टेक्निक सीखने के लिए जो भी आप काम कर रहे हो उस काम के अंदर मैं बेस्ट कैसे कर सकता हूँ, वो कोई भी फील्ड हो सकता है आपके एजुकेशन का, आईटी का, जो आपको ग्रोथ करने में आपकी मदद करेगा, आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करेगा 10%। लास्ट आता है 5%, मेक ए डिफरेंस, लोगों की मदद करने के लिए, आपका परिवार है, आपके पेरेंट्स है, आपका भाई है जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हो, किसी चैरिटी में डोनेट करना चाहते हो, गरीबों की मदद करना चाहते हो, वो 5%। इस फिगर को अप डाउन कर सकते हो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत, लेकिन जो पैसिव इनकम का है उसको कम नहीं करना है, पैसिव इनकम मिनिमम, उस पैसे को छेड़ना नहीं है, टच करना नहीं है, ठीक है। अभी बात करते हैं, जैसे टाइम भी होता जा रहा है, अभी बात करते हैं अविनाशी खजानों के ऊपर, अविनाशी खजानों के ऊपर बात करते हैं, स्थूल खजानों के ऊपर क्लियर आई हो सभी को? यस सर। यस, अविनाशी खजानों के ऊपर बात करते हैं। अविनाशी खजाने जो हमारी आत्मा की क्वालिटी है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये हमारी 7 क्वालिटी आत्मा की शक्ति है। इन्हीं की वजह से हमारे जीवन में इनकी चाहना होती है, हमें सुख भी चाहिए, हमें शांति भी चाहिए, हमें प्योरिटी भी चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, हमें ईमानदारी चाहिए अपने रिश्तों में, प्रेम भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, और शक्ति, लड़ने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, हमें आत्मिक शक्ति चाहिए। ये जो अविनाशी खजाना है, इनको प्राप्त करने के लिए क्या एक सिर्फ एक ही रास्ता है, इनको प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए हम रास्ता एक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, जैसे सुचेता जी ने बताया, संबंधों में अपेक्षा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि हमें पूजा पाठ से सुख शांति मिल जाए, अपने आप को यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर देते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है बस मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं या अपने आप को खत्म कर देता हूं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, दूसरों लोगों को मारने का प्रोसेस भी हम करते हैं, इस इंसान ने मुझे परेशान किया, इसकी वजह से मेरी शांति दूसरों को मारने का काम करते हैं, इस इंसान ने मेरे जीवन में परेशानी लाया, इस इंसान से मुझे परेशान कर दिया, तो इसको खत्म कर देता हूँ, मेरा जीवन शांति में हो जाएगा। ये तो सोच नहीं, ये प्रोसेस करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये इस प्रोसेस को करते हैं, हम जो आज ट्रेंड है इस ट्रेंड को अपनाते हैं, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए। आजकल एक ब्लैक मैजिक का भी जादू चल रहा है, ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इन चीजों से सुख शांति मिली? नहीं। तो कौन सा रास्ता है जिससे हमें सुख शांति मिल सकती है? सिर्फ और सिर्फ एक ध्यान एक ऐसी चीज है जिससे इस अविनाशी खजाने को हम प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ध्यान में भी मन नहीं लगता है। ध्यान के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप हर रोज ध्यान के बारे में ऑलरेडी जानते हो, लेकिन ध्यान में हमारा मन नहीं लगता है, हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के थॉट चलते रहते हैं, उसका समाधान मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा। हमारे पास 3 शक्तियां हैं, तीन शक्तियां कौन सी है, मनसा, वाचा और कर्मणा। वाचा शक्ति से हम बोलते हैं, कर्मणा शक्ति से कर्म करते हैं, और मनसा शक्ति से सोचते हैं। कुल मिलाकर जो फिर वंस अगेन जो हमारी पहुंच है वो वहीं पर थॉट पर आ जाती है, जो हमारा जीवन का पूरा प्रोसेस है थॉट से काम करता है। तो जो थॉट प्रोसेस है, जो मनसा शक्ति है, मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है। जब ध्यान करते हो ध्यान में मनसा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, बोलकर ना, मन में बोलकर इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप ध्यान करते हो, जिस भी प्रकार का ध्यान करते हो, मनसा शक्ति का इस्तेमाल करोगे, आपके मन में थॉट आएंगे, तो उस मनसा शक्ति से आप अपने ध्यान को लगा सकते हो आराम से, ठीक है। सिर्फ यही सीक्रेट है मेडिटेशन का, यदि आपने मनसा शक्ति का इस्तेमाल कर लिया तो आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा दूसरी जगह। आप मेडिटेशन नहीं करते हो पूरे दिन, अच्छी बात है, जितना भी किया। अभी बात आती है कि हमारे ब्रेन को डाइट कैसे खिलाएं, उसी पार्ट पर आते हैं जो बीच में हमने छोड़ा था, कि हम अपने ब्रेन को मनपसंद डाइट कैसे खिलाएं। मेडिटेशन में एक तो ध्यान नहीं लगता है, दूसरा हमारे पास टाइम नहीं है, दो चीजों की सबसे बड़ा ज्यादा समस्या है। तो दोनों चीजों को कैसे मैनेज करना है, इन चीजों को पहले मेडिटेशन करने के लिए मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है। टाइम के लिए मैं आपको बात शेयर करता हूं, आपके पास सफिशियंट टाइम है। कैसे टाइम है, जब आप खाना बना रहे हो आपका ब्रेन खाली रहता है, उस टाइम पे याद कीजिए इन चीजों को। मैं मंत्र मेडिटेशन का उच्चारण कीजिए, मंत्र मेडिटेशन को यूज कीजिए। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ,
मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इन सब चीजों का मैं मंत्र मेडिटेशन से आपके जीवन में इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो एक साल में हमारे मन में इतने विचार आए हैं, 2 करोड़ से भी ज्यादा, एक दिन में जो 60,000 आए हैं, तो उनको टक्कर लेने के लिए हमें कंटिन्यूली प्रोसेस करना पड़ेगा उसकी सफाई करने के लिए। कर सकते हैं फिर दिन भर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जो दिन भर है आपका ब्रेन कहीं डायरेक्शन में जा रहा है, इनका दिन भर इस्तेमाल करते रहिए। स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये चीजें हमने की नहीं है, मंत्र मेडिटेशन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मंत्र मेडिटेशन का जब इस्तेमाल करोगे तो धीरे धीरे प्रॉब्लम आएगी आपको कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कभी नहीं भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं है, जब भी टाइम मिलता है, खाना खाते वक्त, वॉकिंग करते हो तब उसका इस्तेमाल करना है, आप नहाते हो तब इस्तेमाल करना है, घर की सफाई करते हो तब इस्तेमाल करना है, रास्ते में जाते वक्त सफाई करना है, इस्तेमाल करना है, आप अपना ऑफिस का काम करते हुए ब्रेक होता है तब इस्तेमाल करना है। जब भी चीजें आप कोई भी टाइम हो जाएगा ना सफिशियंट, तो इस टाइम को यूटिलाइज करना है अपने ब्रेन को अच्छा भोजन खिलाने के लिए, अच्छी डाइट खिलाने के लिए। कोई भी जो आप बीच में बोल भी रहा था कोई कि मैं हेल्दी हूं मैं वेल्दी हूं, इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी अफर्मेशन है उसका इस्तेमाल कीजिए, वो आपको रिजल्ट देगी। एक दिन में रिजल्ट नहीं देगी, हम क्या करते हैं, एक हफ्ता किया, एक हफ्ते के बाद निराश हो जाते हैं। निराश क्यों हो जाते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन हमारा जो नेगेटिव विचारों का खजाना इतना भर चुका है उसको क्लीन करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए पेशेंस रखिए, जो हमारी मंगल भावना का जो है यंत्र है कि पेशेंस भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए और अनुशासन भी होना चाहिए। तो जब अनुशासन रखते हो आप, धैर्य रखते हो, तो ये चीजें धीरे धीरे जो खजाना है नेगेटिव खजाना वो कम होने लग जाएगा और जो स्थूल अविनाशी खजाना है वो बढ़ने लग जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये दो चीजें थी। इस पूरे प्रोसेस को मैं हीलिंग टेक्निक के माध्यम से टेंशन को रिड्यूस करने का, रिलेशनशिप को और करियर, जब आपकी टेंशन रिड्यूस हो जाएगी और आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी तो करियर में ऑटोमेटिक ग्रोथ होनी ही होनी है। इससे पहले अनुमल जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट का हम ध्यान कर लेते हैं, ध्यान लगा लेते हैं, उसके बाद आई होप टाइम अलाउड करता है 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। जी अभी हमारे पास है 10 मिनट टाइम है हमारे पास। हाँ, 10 मिनट के अंदर हम ध्यान लगाते हैं, हम मनसा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, ठीक रहेगा? इज इट ओके एवरीवन? यस। सभी तैयार हो जाए, सभी जस्ट रिलैक्स बैठ जाएं। लंबा सांस लीजिए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर आ जाएंगे। मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है, ध्यान रहे, बोलना नहीं है, जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको सिर्फ खाली मन में रिपीट करना है। लंबा सांस लेकर छोड़िए, जो मैं चीजें बोल रहा हूं उनको मनसा शक्ति से बोलना है और विजुलाइज करना है, सिर्फ 2 ही काम करना है आपने, ठीक है? जैसा बोलूंगा पूरा सिंपल प्रोसेस में मैं आपको ध्यान लगवा दूंगा और आप उस पावरफुल एनर्जी को अंदर अपने अंदर अभी महसूस करोगे। मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मनसा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए 7 बार हम उच्चारण करेंगे। मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूं, 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 मैं चमकती हुई मणि बुरकुटी में विराजमान हूं। जहां पर हम तिलक लगाते हैं अपने आप को स्टार के रूप में विजुलाइज करें, आत्मा एक स्टार है, जैसे स्टार के रूप में आपकी आत्मा आपके ब्रेन में जहां पर आप तिलक लगाते हो यहां पर चमक रही है। विजुलाइजेशन का इस्तेमाल करें, देखने की कोशिश करें बस खाली, और जो चीज बोलता हूं उसको वाचा शक्ति से, मनसा शक्ति से इस्तेमाल करें। मैं चमकती हुई आत्मा बुरकुटी में विराजमान हूं। यदि आत्मा चमक रही है तो वहां से लाइट निकलेगी,
मुझ आत्मा से लाइट निकल रही है, प्रकाश की किरणें निकल रही है, और मेरे ब्रेन में फैल रही है। ब्रेन में फैलने के बाद शरीर के अंग अंग में जाएगी, मेरे शरीर के अंग अंग में फैल रही है। वंस अगेन आपके स्टार को विजुलाइज करें, आत्मा चमकते हुए तारे के रूप में। मैं आत्मा मन बुद्धि से उड़ चला परम धाम, घने बादलों के बीच से होते हुए। अपने आप को स्टार के रूप में बादलों से ऊपर जाता हुआ विजुलाइज करें, स्टार के रूप में, जैसे स्टार ऊपर जा रहा हो, वो स्टार आप है। संपूर्ण तारा मंडल के भी पार, सूक्ष्म लोक से होते हुए पहुंच गया परम धाम। अपने आप को ऊपर जाता हुआ विजुलाइज करें। यहां पर सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है, सुनहरे लाल रंग के प्रकाश के अंदर अपने आप को विजुलाइज करें। चारों तरफ लाल सुनहरे रंग का प्रकाश फैला हुआ है। जैसे मैं आत्मा प्रकाश का पुंज हूं, यानी चमकता हुआ तारा हूं, वैसे मेरे परम पिता परमात्मा भी चमकता हुआ तारा है, प्रकाश का पुंज है। अपने सामने जैसे सूरज से किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार सूरज से भी हजारों गुना तेज में सुप्रीम सोल को विजुलाइज करें। उनसे सुप्रीम सोल से अनंत सुनहरे लाल रंग की किरणें निकल रही है। जैसे सूरज से किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार विजुलाइज करें। तो बात साथ साथ रिपीट करते रहें मेरे साथ में। ये शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही है, ये सुनहरे लाल रंग की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है, उस सुनहरे लाल रंग के प्रकाश में मैं समाता जा रहा हूं। सुनहरे लाल रंग के प्रकाश में इंटर करने की कोशिश करें। जैसे स्टार जा रहा है अंदर, रॉकेट आसमान में जाता है, ठीक उसी प्रकार से अपनी मन बुद्धि का इस्तेमाल करें, उसको और भी प्रेशराइज से स्पीड से इंटर करें उसमें। मैं सुनहरे लाल रंग के प्रकाश में समाता जा रहा हूं। वाह मेरे भाग्य वाह, स्माइल दे, साथ में स्माइल करते रहें, स्माइल दे, सभी स्माइल करें। वाह मेरे भाग्य वाह, मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूं। सुनहरे लाल रंग का प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है। कंटिन्यू विजुलाइज करते रहे बंद आंखों से स्माइल के साथ में। वाह मेरे भाग्य वाह, हे मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे पास जो परेशानी है, वो मैं आपको समर्पित करता हूं। बोलिए वाचा शक्ति से, जो आपकी परेशानी है उसको बोलिए, ये परेशानी को मैं आपको समर्पित करता हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका। वंस अगेन, हे मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका, और आप मेरे, अपना सब कुछ परमात्मा को दे दीजिए और परमात्मा को अपना बना लीजिए सब कुछ। हे मेरे परम पिता परमात्मा, मेरा सब कुछ आपका और आप मेरे। परमात्मा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। अपना वरदानी हाथ अपने सिर पर रख लें, अपना हाथ को। परमात्मा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया और बोले, मास्टर आनंद के सागर भव, सफलता मूरत भव, विजयी रतन भव,
और अपनी हजारों भुजाएं मुझ पर फैला दी और बोले, मैं कल्प कल्प में हजारों भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हजारों भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों से भरपूर होकर, परमात्मा के वरदानों से भरपूर होकर नीचे आ रहा हूं। अपने आप को स्टार के रूप में विजुलाइज करें नीचे आते हुए, और अपना पाठ बजा रहा हूं। परमात्मा से सुनहरे लाल रंग की किरणें निकलकर मेरे ब्रेन में समा रही है। हाथ हटा लीजिए। परमात्मा से सुनहरे लाल रंग की किरणें निकलकर मेरे ब्रेन में समा रही है, मेरे शरीर के अंग अंग में समा रही है, मेरे शरीर का अंग अंग सुनहरे लाल रंग के प्रकाश से भरपूर हो रहा है। विजुलाइज करें आपका पूरा शरीर सुनहरे लाल रंग के प्रकाश से भरपूर हो रहा है। अब ये शक्तिशाली किरणें मेरे शरीर के अंग अंग से निकलकर मेरे चारों तरफ फैल रही है, स्माइल के साथ में, मेरे पूरे घर में फैल रही है, मेरे पूरे मोहल्ले में फैल रही है, मेरी पूरी सिटी में फैल रही है। अपने आप को विजुलाइज करें, आपसे किरणें निकल रही हैं और चारों तरफ फैल रही है, पूरा सिटी आपका लाइट से भरपूर हो रहा है। ये सुनहरे लाल रंग की किरणें मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल रही है, मेरे पूरे स्टेट में फैल रही है। ये परमात्मा से किरणें लगातार मुझ में समा रही है और मुझ में समाकर पूरे भारत वर्ष में फैल रही है। भारत के मैप के ऊपर अपने आप को विजुलाइज करें, जिस भी स्टेट के अंदर आप रह रहे हैं उस स्टेट से लाइट निकलकर पूरे भारत वर्ष में फैल रही है। इस प्रकाश की किरणें पूरे भारत वर्ष में फैल रही है, सब आत्माओं तक ये किरणें पहुंच रही है। जिन आत्माओं तक ये किरणें पहुंच रही है उनको शांति की अनुभूति हो रही है, उनको आनंद की अनुभूति हो रही है, उनके संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। ये लगातार मुझ में समा रही है। थैंक यू यूनिवर्स। रब कीजिए, अपने हाथों को रब कीजिए, फास्टेस्ट तरीके से इसको रब कर अपने फेस पर इनहेल कर लीजिए। किस प्रकार की पावर का अनुभव हो रहा है, एक शब्दों में डिफाइन करें, सिर्फ एक शब्दों में। एक्सीलेंट सर। सर इसको ऑडियो मिल सकता है, ये आपके खाली लास्ट मेडिटेशन के? हाँ मिल जाएगा, ये अनमल जी दे देंगे, ऑडियो बना के भिजा देंगे। एनर्जेटिक सर, डेफिनेटली आप अनमल सर से संपर्क कर सकते हैं, जो भी मिलेगा वो आनंद। शांति, बहुत शांति मिली सर, अविनाशी खजाना मिल गया जैसे लग रहा था, बहुत शांति मिली, खजाना मिल गया। बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ और मैनेजमेंट ध्यान ये सब आज वापस हमारा जैसे प्रतिक्रमण होता है वैसा हो गया आज। आपको दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामना। आपको सबको भी बहुत शुभकामना। स्टार समझ के आकाश में जाना चाहिए अपने शरीर के साथ। क्या जी संगीता जी, दोबारा बोलिए, एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। हम स्टार बन के जाना है या शरीर सहित जाना है आकाश में? नहीं, स्टार सहित, हम शरीर सहित नहीं जा सकते, नहीं जा। हमारा जो स्टार के रूप में हमारी आत्मा मन बुद्धि से जर्नी करेगी। ओके सर। ओके, किरणें तो बहुत अच्छी लग रही थी सर, ऐसे जैसे आपने बोला ना कि सुंदर किरणें बहुत है, शब्द नहीं मेरे पास, बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर तरीके से डॉक्टर मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयोग, 10 मिनट का प्रयोग भी जो आपने कराया, पूरी एनर्जेटिक, पूरी शरीर में एनर्जी से भर गया है। तो ऐसे प्रयोग हम बीच बीच में करते रहते हैं, अलग अलग तरीकों से करते हैं, करने का तरीका अलग हो सकता है। आज हम ब्रह्मांड में खुद जाकर एनर्जी लेकर आए, पूरी कैच कर ली। बहुत बढ़िया। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का जो दिन दिवाली और हमारा जो धनतेरस का दिन, हमें इसी तरह के ध्यान और आगे हम करते रहे, अपने इसी तरह की एनर्जी हमें मिलती रहे इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। आज के दिन हम सब मंगल भावना करेंगे, जो मंगल भावना हमने बताई वो भी हमने, हमारे आचार्य ने जो बात बताई और डॉक्टर साहब ने जो बात बताई, बात एक ही बात है, भाषा शब्दों का फर्क हो सकता है, शब्दों का फर्क हो सकता है, चीज एक ही चीज, मन की शांति, परम आनंद कैसे मिल सकता है, आध्यात्मिक हमारी चेतना का विकास कैसे हो सकता है। तो ये बातें हमारे गुरु बताते रहते हैं और जो हमें गुरु से मिलता है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो अब हम समापन की ओर चलेंगे। जतन जी समापन आप करवा दीजिए। सभी दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जोड़ते हुए, सभी मेरे साथ साथ अब बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति। आज का दिन मंगलमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम ओम हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन, इतना शानदार मार्गदर्शन किया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमारी जी ने जितना अमूल्य समय अपने लोगों के लिए दिया है उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये जिनकी किस्मत में लिखा था वो इसको देख पाए अभी साक्षात्कार के साथ, और बाकी अब वीडियो भेजेंगे, ऑडियो भेजेंगे, तो उसमें और जिसको भी लाभ लेना है, जिसके योग हैं, उनको जरूर जरूर मिलेगा। मनोज कुमार जी, मैं तो सवेरे जो काम करने रहते हैं ना, वो पहले दिन सोच के मैनेजमेंट ने वो भी है ये कि मेरे को कल क्या काम करना है, वो भी मैनेज करके रखती हूँ। बहुत बढ़िया सलाह जी, बहुत बढ़िया सर। एक दिन आपका ध्यान जरूर लेना है, पक्का वापस लेना सर। मैं थोड़ा सा नहीं हुआ, लेकिन पक्का, कोई नहीं, पक्का, मोस्ट वेलकम है। जब भी एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे, कल दिवाली का दिन है, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना आपको सभी को, दिवाली की शुभकामनाएं। ओम आराम, ओम आराम, ओम आराम।